वहीं देश के 6 राज्यों में हीट वेव चल रही है। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। यहाँ का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना भी जताई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहने की बात कही गई है। इनमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 18 और बिहार के 9 जिलों में बारिश हो सकती है। वही झारखंड में 7 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में आंधी बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई, इस बार भी ऐसा मौसम रहेगा। 7 अप्रैल से अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। जबलपुर, भोपाल, शहडोल, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश भी हो सकती है। वही IMD भोपाल के अनुसार 5 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर 1 से 2 दिन के बाद प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासकर पूर्वी हिस्से में बारिश, आंधी और बादल रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। वहीं अप्रैल से जून के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की भी संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। IMD के मुताबिक अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। वहीं अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है।